अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचना कैसे है, वहाँ पे कौन कौन सी टर्मिनल है, वहाँ पर चेक इन, बैगेज, सिक्योरिटी का क्या प्रोसीजर्स है, साथ ही यहाँ के एयरपोर्ट पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली ट्रेवलर। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड इसी तरह के कॉन्टेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Then let's get started. दिल्ली एयरपोर्ट दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके तीन टर्मिनल हैं, टर्मिनल 2 एंड 3 एक साथ है एंड टर्मिनल 1 लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। तो मैं जा रही हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर, जहाँ से सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइन फ्लाई करती है। आप यहाँ पर कैब टैक्सी बुक करके आ सकते हो या फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है मात्र 30 मिनट में। सो टर्मिनल 2 पर आपको 4 मेन एंट्री गेट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप इंटर हो सकते हो एयरपोर्ट के अंदर। दिल्ली इंडिया का सेंटर पॉइंट है, सो यहाँ के एयरपोर्ट पर काफी रश होता है, तो आप अपने समय से पहले यहाँ जरूर पहुँच जाए। सुबह के 4 बजने वाले हैं एंड मैं आ चुकी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट। सो निकल रही हूँ एक नई यात्रा के लिए, कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। सो लेट्स गो। मैं गेट नंबर 4 से इंटर कर रही हूँ एंड जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट जर्नी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पर अपना फ्लाइट की टिकट प्लस में आपको आईडी कार्ड दिखाना होगा, तभी आप एयरपोर्ट के अंदर इंटर कर सकते हो। इंटर होते ही सामने में आपको सारे एयरलाइन के चेक इन काउंटर देखने को मिल जाएंगे। साइड में कोल्ड ड्रिंक चिप्स की मशीन लगी हुई है, साथ ही बैग चेकिंग मशीन भी है, बट यहाँ के एयरपोर्ट पे आपको बोर्डिंग पास से पहले बैग की चेकिंग नहीं होती है। अब आपको अपने एयरलाइन की चेक इन काउंटर ढूंढना है एंड वहां पर जाना है बोर्डिंग पास के लिए। एंड साइड में जो मशीनें देख रहे हो यहां पर आप खुद से वेब चेक इन कर सकते हो एंड बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हो। टर्मिनल 2 का बोर्डिंग पास एरिया चेक इन काउंटर, यहाँ पर आपको अपना टिकट दिखाना है, आईडी दिखाना है एंड अगर आपके पास चेकिंग बैगेज है जो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं उसे यहाँ पर आपको दे देना है एंड उसकी वेट लगभग 15 से 16 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड देन वो आपको बोर्डिंग पास दे देंगे। बोर्डिंग पास पे आपका नेम, ट्रेवल डेट, फ्लाइट नंबर, डिपार्चर गेट, साथ ही आपकी सीट नंबर लिखी होती है जिसे लेकर आपको आगे की ओर बढ़ना है। सामने में ही आपको सिक्योरिटी चेक इन का बोर्ड दिखाई देगा। बोर्डिंग पास मिल चुका है एंड अभी जा रहे हैं सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए। सो उसमें बहुत टाइम लग गया बोर्डिंग पास मिलने में, इसलिए आप एयरपोर्ट टाइम से पहले आ जाया करो। अभी सिक्योरिटी सेक्टर में आई थिंक ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो जल्दी हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना होता है एंड अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे एक स्टाफ भी होते हैं, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो एंड इसके बाद आप इंटर कर जाते हो सिक्योरिटी चेक इन वाले एरिया में। एंड यहाँ पर आपको वो काउंटर ढूंढना है जहाँ पे थोड़ा कम भीड़ हो, तो वहाँ पर जाओ, अपना सामान रखो एंड वहाँ पे ट्रे होते हैं इस तरह के छोटे बड़े, तो आपको ट्रे ले लेना एंड उस ट्रे में ही आपके पास जो भी सामान है, बैग है, मोबाइल है, चार्जर है, पावर बैंक है, उसे आपको बैग के अंदर नहीं, बैग से बाहर ट्रे में डालना है। अगर आपने जैकेट बेल्ट पहन रखा है तो उसे भी खोलकर ट्रे में ही डाल दें। यहाँ पर आपके सामान के साथ ही आपकी पूरी तरह से सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है। यहाँ पे मेल फीमेल के लिए अलग अलग काउंटर बने होते हैं। सो गाइस, आफ्टर सिक्योरिटी चेकिंग आपको जाना है अपने बोर्डिंग गेट के पास। सिक्योरिटी चेकिंग के जस्ट सामने में आपको ऑल गेट्स का बोर्ड नजर आ जाएगा और यहीं से रास्ता जाता है डिपार्चर गेट की ओर एंड यह आप आ चुके हो एयरपोर्ट के सेंटर पॉइंट पे। यहाँ पर ही आपको ऐसे लॉन्ज मिल जाएगा बैठने के लिए, यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ है, साथ ही फूड पॉइंट्स, ड्यूटी फ्री शॉप्स एंड वॉशरूम, बेबी केयर रूम, सब चीजें आपको यहाँ पे ही मिल जाएगी एंड जो भी गेट हैं डिपार्चर के उनके भी बोर्ड नजर आपको आएंगे, हर जगह लिखे होते हैं आपको जिस भी गेट पर जाना है। और यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्रांड के आपको स्टोर भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके फ्लाइट में टाइम है तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो, खाना वगैरह खा सकते हो
एंड अभी मैं आपको लेकर आ गई हूँ यहाँ के वॉशरूम में। सो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें सेंसर लगा होता है तो आपको यहाँ पर अपने फिंगर को ले जाना होता है तभी उसमें से पानी आती है। और इस डब्बे से आप टिश्यू पेपर निकाल सकते हो। एंड यह एयर ड्रायर मशीन जहाँ पर आप अपने हैंड सुखा सकते हो, बस आपको अपने हाथ को वहाँ पर ले जाना है। एंड नीचे में यह है डस्टबिन, तो आपको जो भी डस्टबिन वाला मटेरियल है वहीं पर डालना है। एंड यह रहा वॉशरूम, एंड मुझे जो पसंद आती है यह लॉन्ग सम मिरर, यहाँ पर मैं अपने आप को देखकर बहुत ही खुश हो जाती हूँ। और अब मैं बढ़ रही हूँ डिपार्चर गेट की ओर। तो आपके जो भी डिपार्चर गेट है वो यहाँ पे अलग अलग हैं, तो हर जगह एरो मारकर वहाँ पर गेट नंबर ऐसे बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो आपको देख लेना है कि आपका जो गेट नंबर है वो किधर है। मेरी जो बोर्डिंग पास पे डिपार्चर गेट लिखी थी वो थी 26, जो कि नीचे में थी। नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे है आपका गेट नंबर 24 से नीचे ग्राउंड। इस वाले एरिया में भी आपको सीटिंग एरिया, वॉशरूम, फूड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड आपके डिपार्चर स्टार्ट होते हैं लगभग 30 मिनट पहले। सो आपको यहाँ पर बैठना है, वेट करना है। एंड आपके डिपार्चर स्टार्ट होते ही आपको लाइन में आ जाना है। एंड यहाँ पर भी आपको बोर्डिंग पास दिखाना होता है। एंड आप फिर आ जाओगे रनवे पे जहाँ पर बस लगी होगी सामने में, तो आपको बस में आ जाना है। बस में आपकी जो फ्लाइट नंबर है वो लिखी होती है, तो आप चढ़ने से पहले एक बार कंफर्म जरूर कर लें, अदरवाइज तो डिपार्चर गेट के सामने ही बस लगी होती है। बट फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो बी केयरफुल, एंड बस आपको ले जाकर छोड़ेगी जहां पर आपकी फ्लाइट लगी होती है। मुझे पर्सनली रनवे का व्यू काफी पसंद है क्योंकि हर जगह फ्लाइट लगी होती है। एंड देखो पीछे से मेरा भाई आ गया जो कि एयरलाइन में ही एरोनॉटिकल इंजीनियर है, और अभी वो मुझे फ्लाइट तक छोड़ेगा लाइक अ वीआईपी गेस्ट। तो अभी मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो मैंने जल्दी से इसे बाय बाय बोला क्योंकि फ्लाइट की गेट बंद करने की टाइम हो चुकी थी और मैं अपने सीट पर आकर बैठ गई। बट मुझे कोई विंडो सीट नहीं मिली है, लास्ट में ऐसे मुझे सीट मिली है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पर एयर होस्टेज होती है, उनसे आप पूछ सकते हो। एंड जो इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट होती है उसमें सीटें दो टाइप में डिवाइड होती है, लेफ्ट साइड में 3 सीटें होती हैं, राइट साइड में 3 सीट होती है। ये जो बटन देख रहे हो यह है एसी का, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड ये वाली है लाइट्स का, तो आप अपनी सीट वाली जो लाइट है उसका वो यूज कर सकते हो। एंड ये वाला है जिसे आप प्रेस करोगे तो जो केबिन क्रू है वो आपके पास आ जाएंगे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। और आपके आगे वाली सीट में इस तरह से फोल्डिंग टेबल बना होता है जिसे आप यूज कर सकते हो अगर आपको लैपटॉप रखकर काम करना है या फिर खाना वगैरह खाना है। और यह है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, एयर सिकनेस बैग। सो अगर आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग के दौरान तो आपको वोमिट इसी में करना होता है। एंड अगर आपको काम नहीं है तो टेबल को आप फोल्ड कर दें। एंड अब मेरी फ्लाइट रन करना स्टार्ट कर दी है, एंड थोड़ी ही देर में टेक ऑफ करने वाली है। बट फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले आपको सीट बेल्ट लगा लेना है, साथ ही जो केबिन क्रू है वो आकर कुछ इंस्ट्रक्शन देती हैं, तो अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो ध्यान से सुन जरूर लेना। एंड इसके बाद बस आप भी इंजॉय करो मेरे साथ। जब मेरी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी तो सुबह के आई थिंक 5 बज रहे थे, तो तब रात जैसा ही था। एंड थोड़ी ही देर के बाद सनराइज हो गया एंड सुबह सुबह सूरज देवता के दर्शन भी हो गए। एंड थोड़ी ही देर के बाद मेरी फ्लाइट लैंड कर गई। बट कहाँ ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो मैं आ चुकी हूँ नवाबों का शहर लखनऊ, और यह है यहाँ के एयरपोर्ट का रनवे व्यू। दिल्ली से लखनऊ आने में लगभग आपको 1 से 1.25 घंटे लग जाते हैं। फ्लाइट से उतरते ही आपको सामने में बस नजर आ जाएगी, तो बस पर आपको चढ़ जाना है। एंड बस आपको लेकर जाएगी अराइविंग टर्मिनल के गेट पर, ले जाके आपको छोड़ देती है। फ्लाइट लैंड करते ही फ्लाइट के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है कि आपकी जो चेक इन बैगेज है वो किस बेल्ट नंबर पे मिलेगी। सो आप ध्यान से सुन लेना अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो। एंड अगर नहीं सुना है, जैसे कि मैंने नहीं सुना था फर्स्ट टाइम, तो मैंने क्या किया कि मेरे फ्लाइट से जो भी लोग उतरे थे मैंने उनको फॉलो किया एंड मैं पहुँच गई बेल्ट नंबर पे जहाँ मेरे सामान मिलने वाले थे। एंड वहाँ पे बेल्ट नंबर पे आपके जो फ्लाइट है उसकी ऐसे फ्लाइट नंबर भी लिखा होता है।
यहाँ से आपको अपना लगेज उठाना है एंड आपके लगेज पे भी फ्लाइट नंबर एंड आपका नाम लिखा होता है, तो वो जरूर चेक कर लें। यहाँ पे इस तरह का ट्रॉली भी आपको मिल जाएगा बेल्ट के पास, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो आप ट्रॉली ले सकते हो। सो गाइस, दिस इज द लखनऊ एयरपोर्ट एंड यहाँ काफी अच्छा दिवाली का ऐसे मना रखा है। अभी 7 बज चुके हैं एंड यहाँ से निकलते हैं, जल्दी से स्टेशन जाना है, एडवांस ट्रेन लेना है, अयोध्या जाना है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मनी चेंज के ऑफिस एंड बैंक वगैरह के ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, दिस इज आउटसाइड व्यू ऑफ लखनऊ एयरपोर्ट। सो बाहर से लखनऊ एयरपोर्ट का तो कुछ ऐसा है, और अभी फिलहाल के लिए अयोध्या के लिए कोई ट्रेन नहीं है, 2-3 घंटे आई थिंक मुझे वेट करना पड़ेगा। सो मैं जा रही हूँ यहाँ से लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन एंड वहाँ से ट्रेन है अयोध्या जंक्शन के लिए। सो आई एम सो एक्साइटेड। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको कैब टैक्सी मिल जाएगी, आपको सिटी के अंदर कहीं जाना है तो, एंड अगर आप बजट में जाना चाहते हो तो एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट साइड में सामने में ही है मेट्रो स्टेशन, तो आप वहां से मेट्रो लेकर आप लखनऊ के अलग अलग एरिया में जा सकते हो। तो मैं यहां से जा रही हूँ मेट्रो लेकर लखनऊ जंक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए एंड अपनी ट्रिप एंजॉय कीजिए।